कैसे हैं आप लोग? सब लोग वैष्णवी, आकाश, कुशल, प्रियंका, चंदा, प्रियंका पोलिया, संरक्षित, लवकुश, पूजा छत्रिया, कंचन, ज्योति, आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग। नए साल का पहला 15 दिन बीत गया है। कैसा रहा नया साल आप लोगों का? मैं अच्छा हूँ आकाश, आई एम गुड। मैं भी अच्छा हूँ एकदम। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या नहीं आप लोग? नालंदा के क्लासेस रेगुलर करते हैं या नहीं? डिजिटल नालंदा के, हाँ, एडिटोरियल मैं शुरू करने वाला हूँ अभी। मैं लूंगा एडिटोरियल बीच बीच में, सारे नहीं लूंगा लेकिन बहुत काम रहता है मेरे को बेटा। बट हाँ, बट आई विल टेक मोर क्लासेस नाउ। आई विल टेक इंग्लिश रीडिंग क्लासेस ऑल्सो, आई विल टेक एडिटोरियल क्लासेस ऑल्सो, है ना? तो मैं लूंगा बीच बीच में। हाँ, इंग्लिश राइटिंग का आज मैं लूंगा आपको। मैं पिछले 2-3 बार से नहीं ले पा रहा था, मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा था। हाँ, पॉलिटिकल साइंस मैथ्स के अपलोडेड वीडियो ओपन नहीं हो रहे हैं। ओ प्रतीक्षा, आप मुझे वो लिंक भेज सकती हैं? आपके पास मेरा नंबर होगा या ईमेल होगा तो आप मेरे को लिंक भेज दीजिए, कौन सा नहीं खुल रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। आई विल चेक इट। इंग्लिश राइटिंग का पिक्चर मैं दूंगा आज, ठीक है? मैं आज क्लास में दूंगा, क्लास में लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? आज 4 बजे से मैं क्लास लूंगा इंग्लिश राइटिंग का, ठीक है? मैं थोड़ा सा इधर काफी दिनों से बिजी था, बहुत बहुत ट्रैवल था। डिजिटल नालंदा की वेबसाइट पर ओपन नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस और किसका बताया था? मैथ्स का, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी इस समय कौन मॉडरेट कर रहा है, सपना या धीरज? यस सर, मैं। सपना जरा एक बार चेक कर लेना। हाँ, मैं चेक कर रही हूँ। ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ्स। प्रतीक्षा, मैथ्स का पेज नहीं खुल रहा है या कोई भी वीडियो नहीं खुल रहा है? प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बता दो प्रॉब्लम क्या है। प्रतीक्षा, हेलो। हाँ बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर, जब मैथ्स का सेशन जब ओपन करते हैं तब वहाँ पे अपलोडेड क्लास होती है सभी, तो वहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है कि दिस इवेंट, मतलब हो चुका है ये इवेंट पहले ही, अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा आ रहा है वहाँ पे। जो जब लाइव क्लास करते हैं आप मैथ्स का? नहीं, लाइव का नहीं, जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वहाँ पे जब चेक किया था तभी वहाँ पे ही ऐसा आ रहा है सर। और पॉलिटिकल साइंस का भी आ रहा है वैसे। सारे 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 उसमें आ रहा है सर, मैंने सारा चेक नहीं किया, मैंने बस मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस ही देखा। नहीं, पॉलिटिकल साइंस के सारे लेक्चर्स में ऐसा आ रहा है या एक दो में आ रहा है? मैं चेक करवाता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ। हाँ सर, अभी तो मैं चेक कर रही हूँ तो लास्ट के 2 भी वीडियो मतलब चल रहे हैं और फर्स्ट वीडियो चल रहा है। फर्स्ट वीडियो नहीं चल रहा है? चल रहा है सर, सारे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग पेज होगा, ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, है ना? और क्लास के बाद मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू प्रतीक्षा। थैंक यू सर। चलिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में जस्ट वन सेकंड, मैं पिछली बार मैंने आपको पंचायती राज के बारे में बताया था, तो एक बार मैं पंचायती राज सिस्टम को 10-15 मिनट में एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिविल सर्विसेज वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर,
और टेस्ट के एंट्रेंस में, एपीयू के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो उसको एक बार करने के बाद देन फिर हम आज हम पढ़ेंगे आपको, आज मैं आपको बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, और ये सब मैं क्लास सिक्स से ले रहा हूँ। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं लेकिन ये समझ में आने चाहिए, है ना। तो अब अगर आप अपना, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश का, हमारे देश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है, तो आप देखेंगे कि दो टाइप के हमारा दो पार्ट हैं उसको, है ना। एक वो जिनको हम चुनते हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये भी हमारे देश को गवर्न करते हैं। तो एक हिस्सा होता है ऐसे लोगों का जो इलेक्टेड है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनको हमने चुना है, हमने हमारे एमपी चुने हैं, सांसद चुने हैं, ठीक है। आप अगर स्टेट लेवल पे आते हैं तो आप देखोगे कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, इनको भी हम चुनते हैं, और ये परमानेंट नहीं होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, है ना। और अगर आप लोकल लेवल पे आएंगे तो आपके पंचायत होती है, पंचायत में आपके सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, है ना। आप अगर शहर में रहते हैं तो आपके शहर में नगर पालिका है, म्यूनिसपैलिटी है, तो वहां पर आप वार्ड मेंबर चुनते हैं, कॉरपोरेटर चुनते हैं, है ना। तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐसा है जिसमें हम इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रशासन को चलाते हैं? क्या सिर्फ पूरा का पूरा देश, क्या प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल चलाता है? तो आप देखेंगे कि नहीं। सेकंड जो होता है पार्ट, वो होता है ब्यूरोक्रेसी का, प्रशासन जिसको हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें जिनको हम चुनते नहीं, वो एक एग्जाम देते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो एक सरकार, एक नौकरी होती है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो आपका जो कलेक्टर है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ में हम डीएम बोलते हैं और सेंट्रल इंडिया में हम कलेक्टर बोलते हैं, आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, एसपी। तो अब ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है, ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं, ये सेलेक्टेड है, यानी कि इनका सेलेक्शन हुआ है, कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, इनको ट्रेनिंग दी गई है, और इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए नहीं होता, इनका लंबा कार्यकाल होता है। ये जो पार्ट है वो जॉब होता है, एक प्रकार की नौकरी होती है, आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक आप करते हैं। तो अगर आप देखो कि अगर आप गवर्नमेंट को या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम आप ओवरऑल देखो, तो आप ये देखोगे कि ये दो पार्ट है, एक हिस्सा होता है जो इलेक्टेड होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो सेलेक्टेड होता है। सेलेक्टेड का मतलब होता है कि सिलेक्शन हुआ है उनका, है ना। तो वो नौकरी पेशा लोग होते हैं जिसको हम एक सिंपल उसमें ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी। तो अगर गवर्नमेंट को हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के दो पार्ट है, एक तो इलेक्टेड पार्ट है जो चुनाव लड़के चुनाव 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 जिसमें हम वोट देते हैं, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम हिंदी में नौकरशाही बोलते हैं। तो नौकरशाही, ये दोनों मिलकर हमारा देश चलाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अगर आप फंक्शंस देखें, इन दोनों के आप देखें कि ये काम क्या करते हैं, तो आप देखोगे कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, वो लॉ बनाते हैं, वो प्लान करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो जॉब वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अगर आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो ये दो क्लियर कट आपको दिखेगा कि एक पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, और दूसरा इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लागू करते हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर ने एक सरकारी योजना की घोषणा की कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा,
या उनको लैपटॉप मिलेगा या जो भी कोई भी उन्होंने घोषणा की, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है, एक नीति है ना, कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा, जो बजट है उसमें पैसा पैसा दिया कि हाँ भाई अगर हमें हमारे राज्य के सभी बच्चों को लैपटॉप देना है तो इतने करोड़ों रुपए खर्च होंगे, इतने इतने बच्चों को मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा, बच्चे जो है वो 12th के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और गांव के होने चाहिए, और उनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब ये पॉलिसीज हैं, ये नीतियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, और इसके लिए हम इतना पैसा देंगे। अब ये सारा डिसीजन जो है वो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है, आपके चुने गए जिनको आपने चुनाव में वोट दिया है वो ये सारी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिसी बन गई कि हाँ भाई लैपटॉप दिया जाएगा, सारा इतना पैसा आ गया। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैसेज जाएगा कि भाई आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं, आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, वो लिस्ट गवर्नमेंट को भेजो, ठीक है, या फिर हम आपको इतने लैपटॉप दे रहे हैं, 10,000 लैपटॉप दे रहे हैं या 1,000 लैपटॉप दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चों तक पहुंचे। तो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बनाया, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसको जो लागू करने का जो जिम्मेदारी है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की होती, नौकरशाही की होती, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अब मैं पिछला जो हमारा लेक्चर था पंचायती राज वाला, वो मैं आपको शेयर करता हूँ और एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट। जस्ट वन सेकंड, मैं उसको शेयर करता हूँ, और किसी को अगर कुछ पूछना हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी बेटा वो पुलिस की होती है, इन्फोर्समेंट मतलब वो अलग होता है, इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना थोड़ा सा अंतर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है जो करप्शन वगैरह की जांच करता है, तो पुलिस जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। कानून देखो, कानून के कई अर्थ होते हैं, एक होता है कानून जो पुलिस और शांति व्यवस्था से रिलेटेड होता है, चोरी नहीं करो, ये करो, ये दिस इज ऑल्सो वन लॉ, और एक लॉ जिसको हम पॉलिसी के लेवल पे लेते हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन्फोर्समेंट का जो है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होता है, शांति व्यवस्था से होता है, पुलिस से रिलेटेड होता है। सर, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वैसे पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर होते हैं? हाँ, उनका भी चुनाव होता है, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर्स का चुनाव होता है वैसे ही पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, उनका भी चुनाव होता है, और उसमें आपके ये सरपंच वगैरह वोट डालते हैं, ठीक है। तो पिछला जो हमारा जो टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था पंचायती राज का, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। आपका जो पहला लेवल है गवर्नमेंट का वो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, दूसरा लेवल जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है, और थर्ड लेवल जो है गवर्नमेंट का वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायत आता है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आपकी नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी ये आती है, नगर पालिका। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल का जो अर्थ होता है, हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, है ना, आप जहां से हैं वहां का, तो वो लोकल गवर्नमेंट है।
और ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लिया है, ठीक है, क्लास 6 के चैप्टर 5, 6, 7 से है, ठीक है। किताब का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसका वेबसाइट पर, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और मैंने भी अपलोड किया है डिजिटल रामदा की वेबसाइट पे। मैं हर बार हर लेक्चर में बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार मैं फिर से कर रहा हूँ कि आपको ये सारे चैप्टर्स खुद से पढ़ने होंगे। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आप जब तक खुद से पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, आपका आपका जो जो कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं आएगा। और याद रखिए, ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि आपके आसपास क्या होता है। हमारा और आपका जो लाइफ है वो गवर्नमेंट और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे कितना प्रभावित रहता है, कितना उसका इफेक्ट पड़ता है हम, राइट। तो प्लीज ये सारे चैप्टर्स अपने आप जरूर पढ़ें। जो लोग नॉन इंग्लिश मीडियम है उनको तो कंपलसरी है, पढ़ना ही है आपको। ये सब जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी न्यूज़पेपर वगैरह भी अच्छे से पढ़ पाएंगे आप, आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने, तो अब जो जो लोकल जो रूरल गवर्नमेंट है जो गांव की है उसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं, उसके लिए ये भी टर्म यूज होता है, पंचायती राज, ठीक है। अब पंचायती राज क्या है? पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया, ठीक है। अब ये जो शब्द है सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, पहले मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेल्फ गवर्नमेंट। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, आप घर में रहते हैं, मम्मी पापा बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन सब हैं आपके साथ, है ना। कई बार आपको लगता होगा कि मेरी जिंदगी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर मुझे हक होना चाहिए प्लान करने का, आपको लगता है कि नहीं लगता? लेकिन आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर डिसीजन जो है वो आपके पेरेंट्स लेते हैं, या आप पर बहुत प्रेशर रहता है, आपको कैसा लगता है? सोच के बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है। आप सब टीनेजर्स हैं या थोड़ा सा उससे बड़े होंगे, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र के हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो किसको लेने चाहिए? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बताइए मुझे। आपको आपको गुस्सा आता है कभी जब आपके मन की जो इच्छा होती है वो नहीं पूरी होती है, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं, गुस्सा आता है बहुत, आपको लगता है कि अरे मैं बालिग हो गया है तो हमें लेना चाहिए डिसीजंस, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखो कि कमाते नहीं है करके बोलते हैं, खुद को ही लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन खुद से लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आपके सारे डिसीजन सही होंगे? पेरेंट्स अगर आप पूछेंगे कि पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेने देते, तो वो बोलते हैं कि अरे इनको तो कुछ पता नहीं है, इन्होंने दुनिया नहीं देखी, इनको इनको सही गलत की पहचान नहीं है। आप किसी भी मम्मी पापा से पूछो वो यही बोलेंगे कि हमारे बच्चों को अभी सही गलत की पहचान नहीं है। पेरेंट्स के सारे डिसीजन सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब पेरेंट्स को यह लगता है कि हमारे बच्चों को अभी, हमारे बच्चे बहुत यंग हैं, अभी उन्होंने दुनिया नहीं देखी और उनको सही डायरेक्शन की जरूरत है जो कि हम दे सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ समझता नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं,
उनको मॉडर्न लाइफ का कुछ भी समझता नहीं है। वो पिछले पिछले जो 20 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं और हमारे सुख दुख उनको नहीं समझ में आते। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत गैप है। ज्योति ओके ओके ठीक है। और किसको लगता है बहुत गैप है? पूजा को भी लगता है, मोंटी को भी लगता है, किसको नहीं लगता है? सुधा को नहीं लगता है। सुधा को लगता है कि कोई गैप नहीं, गांव में रहने से लगता ही है सर। ओके ठीक है। तो अब इसी चीज को आप कम्युनिटी के लेवल पे देखो, पर्सनल लेवल पे छोड़ो, कम्युनिटी के लेवल पे देखो कि आप एक गांव में रहते हैं तो आपके गांव में क्या होना चाहिए, विकास कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसका डिसीजन कौन ले सर? बॉम्बे में बैठी हुई सरकार या दिल्ली में बैठी हुई सरकार या हेडक्वार्टर में बैठा हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा हुआ कलेक्टर या गांव के लोग? अब आप भारत के किसी भी जिले में जाओ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देखो, तो भारत के डिस्ट्रिक्ट काफी बड़े बड़े होते हैं, है ना? भारत का जो जिला है वो बहुत छोटे नहीं होते हैं। 100 किलोमीटर, 70, 80, 90, आपका गांव जो है आपके शहर से 70 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, है ना? तो क्या डिसीजंस कौन ले? वो लोग जिनको जिन्होंने गांव नहीं देखा है, जिन्होंने गांव का कुछ उनको आइडिया नहीं, ठीक है, या वो लोग जो खुद रहते हैं वहां पर, गांव जो गांव में खुद रहते हैं, किसको ज्यादा समझ में आएगा चीजें, किसको गांव की परेशानियां किसको ज्यादा समझ में आएगी? तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको समझ में आता है कि रोड कहाँ बननी है, हॉस्पिटल कहाँ खुलना है, स्कूल कहाँ खुलना है, क्या प्रॉब्लम्स है गांव में, कौन सी स्कीम जो है वो काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम काम नहीं कर रही है, राइट? तो इसलिए ये कंसेप्ट आया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत एक बहुत विभिन्नताओं वाला देश है, बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो भारत में एक सरकार या दो सरकार से काम नहीं चलने वाला, भारत में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, एक एक सरकार जो है उस वो लोकल लेवल तक चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आया सेल्फ गवर्नमेंट का। तो सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट लगभग एक ही चीज है, कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि गांव के लेवल पर, है ना, गांव के लेवल पर हम खुद सारी प्लानिंग करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लान बनाना और दूसरा होता है प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करना। मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि गवर्नमेंट, अगर आप ओवरऑल गवर्नमेंट का मशीनरी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन देखें, तो ये दो चीजें होती हैं। गवर्नमेंट प्लान बनाता है, पॉलिसीज बनाता है और फिर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट के यही दो फंक्शन है मेन। तो अब गांव के लेवल पे अगर हमें विकास करना है तो फिर ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का, ये हमें लोकल लेवल तक लेकर जाना होगा, ठीक है। तो इसलिए पंचायती राज की संकल्पना आई, कंसेप्ट आया कि हम सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे लोकल लेवल पर। लोग अपने अपनी पंचायत चुनेंगे और वो पंचायत जो है पॉलिसीज बनाएगी और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करेगी कुछ हद तक, ठीक है। पूरा ऑटोनॉमी नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, है ना। पंचायत के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट देना नहीं चाहती, स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम का ही है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो ऑटोनॉमस नहीं बोलेगा। ऑटोनॉमस का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, है ना।
ऑटोनॉमी में मतलब ये होता है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए आप किसी के नीचे हैं, बाकी आप हर चीज में स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो द सिस्टम, अब ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है, ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए, मतलब खुद से, खुद की सरकार, हम खुद ही प्लान बनाएंगे और हम खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिंपल, अगर आप टर्म में समझने की कोशिश करें तो ये मतलब होता है। तो ये पंचायती राज क्या है, पंचायती राज इसको बोलते हैं, द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल इंडिया में, ठीक है। अब इस पंचायती राज में जितनी संस्थाएं हैं उनको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ये सारी मिलकर क्या कहलाती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब इसका एम तो आपको पता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर, उनको लागू करना, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब वर्तमान में जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो कैसे काम करता है, पंचायती राज सिस्टम में भी तीन लेवल है, ठीक है। एक अगर गांव है तो गांव में ग्राम पंचायत होगी, फिर कुछ गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, तो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी, और फिर जिले के लेवल पर जिला परिषद होगी, ठीक है। तो ये पंचायती राज सिस्टम का थ्री लेवल्स है, ठीक है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली बार। तो पंचायती राज सिस्टम में कितने लेवल है, तीन लेवल है। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत है, फिर उससे उसके ऊपर पंचायत समिति है, और उसके ऊपर जिला परिषद। अब इन सबके मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है, ठीक है। अब नियम क्या है, लॉ क्या है, कि वो राज्य और वो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी आबादी, इनहेबिटेंट्स मतलब आबादी, जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो हर वो राज्य, भारत का हर वो राज्य और हर वो केंद्र शासित प्रदेश जिसकी आबादी, जिसमें रहने वाले लोग, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है रहने वाले लोग, उस राज्य में अगर 20 लाख से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर तीन लेवल होगा आपका पंचायत का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और जो छोटे राज्य हैं, पंचायत समिति के मेंबर होते हैं और जिला परिषद के भी मेंबर होते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष भी होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है, ऑलमोस्ट एक एमएलए जैसा पावरफुल होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष भी होता है, जिला परिषद के, हाँ, सीईओ जो होता है वो बेटा वो गवर्नमेंट नियुक्त करती है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है ना, एक आईएएस लेवल का होता है क्योंकि जिला परिषद का सीईओ होता है, ठीक है। अब जो छोटे राज्य हैं उनमें दो ही लेवल है पीआरआई के, ठीक है, उनमें ये तीन लेवल नहीं है, उनमें ग्राम पंचायत होती है और जिला परिषद होता है। तो जो छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी 20 लाख से कम है उनके ये होता है। अब कुछ राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें पंचायती राज सिस्टम में सिर्फ दो ही लेवल है, सॉरी वो राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है उनमें सिर्फ दो लेवल होते हैं, ठीक है। और कुछ राज्य और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिनमें पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, उसके विशेष कारण हैं, जैसे कि ये तीन राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के मैंने पिछली बार आपको एक्सप्लेन किया था, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहां पर पंचायती राज नहीं है क्योंकि इनके पास अपनी एक ऑटोनोमस काउंसिल्स है, ऑलरेडी एक उनका अपना अलग सिस्टम है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5-6 में ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग से प्रावधान है,
तो यहाँ पर पंचायती राज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर उनके पास अपनी अलग एक लोकल गवर्नमेंट है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये मैंने आपको मैप दिखाया था पिछली बार, तो नागालैंड, ठीक है, मेघालय और मणिपुर, ये राज्य है। अब ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ पंचायती राज का कि तीन लेवल होंगे, ठीक है, ये बहुत नया सिस्टम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे भारत के संविधान में ये नया 1992 में ऐड किया गया है। तो अगर आप पंचायत राज का कंसेप्ट देखें तो हिस्टोरिकली पंचायत सैकड़ों सालों से भारत में है ना, तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पंचायत हैव एग्जिस्टेड सिंस सेंचुरीज। हमारे गांव में पंचायत जो है, खासतौर पे जाति पंचायत हर जगह रहती थी, हर जातियों की अपनी अपनी पंचायतें होती थी। तो अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, इतिहास की नजर से देखें, तो पंचायत भारत का जो भारत की जो भूमि है उसका एक अभिन्न भाग रहा है कई सौ सालों से। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बहुत डिबेट हुई थी, बहुत बहस हुई थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो संविधान सभा में बहुत तगड़ा डिबेट चला था कि पंचायत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो व्यूज थे। एक गांधीयन व्यू था, गांधी पंचायत के समर्थक थे, पंचायती व्यवस्था के, और उनका ये मानना था कि ग्राम स्वराज, उनका जो कंसेप्ट था वो ग्राम स्वराज का था कि हर गांव अपने आप में एक सेल्फ गवर्नमेंट का यूनिट होना चाहिए और वहां के लोग अपना गवर्न करें, ठीक है, तो पंचायत के वो समर्थक थे। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका ये मानना था कि पंचायत जो है वो बेसिकली किसकी होती है, जो वहां के सबसे दबंग लोग होते हैं, गांव के जो सबसे जो पावरफुल लोग होते हैं उनका पंचायत पर कब्जा होता है। तो अगर आप पंचायती व्यवस्था को मजबूत करेंगे, जैसे जैसा था वैसा ही करेंगे, तो अल्टीमेटली कास्ट सिस्टम और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप और ज्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। अब ये दो बहुत ही अपोजिट व्यूज हैं। एक तरफ गांधी का जो नोशन था गांव का, वो गांधी के नजर में गांव एक स्वर्ग की तरह है कि गांव में सब भाईचारा है, सब बढ़िया से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग करते हैं, सिंपल लोग हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गांधी का जो एक जो गांव का विजन है वो एक बहुत एक ऐसा विजन है कि जहां पे गांव में कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। दूसरी तरफ जो रियलिटी अगर आप देखते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि नहीं, गांव स्वर्ग की तरह नहीं है, गांव में भी बहुत बैकवर्डनेस है, बहुत अंधविश्वास है, बहुत अत्याचार है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव है, और जो पंचायत है वो अक्सर लोगों को पनिश करती है, पनिशमेंट देती है। अब आपने सुना होगा हरियाणा का बहुत नाम आता है, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी का, कि पंचायत ने एक गांव की एक लड़की थी, एक लड़के के साथ शादी कर लिया तो दोनों को मार दिया, या घर वालों को निकाल दिया, या घर वालों पे जुर्माना लगा दिया। फिर आप इधर अगर झारखंड वगैरह में आएंगे, छत्तीसगढ़ झारखंड में, तो आप देखोगे कि डायन प्रथा वाला बहुत चलता है कि कोई लेडी है, विडो है, उसको बोला कि ये डायन है, पंचायत ने उस पर उसको मार दिया या उस पर जुर्माना लगा दिया, ठीक है। या अगर किसी ने जाति का कोई नियम तोड़ा, ठीक है, तो जाति का अगर कोई नियम तोड़ा तो पंचायत उसका हुक्का पानी बंद कर देती है, उस पर जुर्माना लगाती है। तो ये सारी चीजें भी बहुत होती हैं, है ना। तो अब डिस्कशन ये था कि क्या होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अभी नहीं करेंगे,
तो जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक आर्टिकल 40 डाला गया था, एक आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था, एक प्रावधान इंक्लूड किया गया था कि हम आगे चलकर पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, यानी कि सरकार, यहां पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कदम उठाएगी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, आगे चलकर, है ना। तो आगे चलकर गवर्नमेंट जो है वो कदम उठाएगी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। किस प्रकार से, एक एक इकाई के तौर पे, एक इकाई, यूनिट का मतलब होता है एक लेवल, एक इकाई के तौर पर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब पंचायती राज जो है वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया था, लेकिन 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और 73rd उस बदलाव का नाम क्या है, अमेंडमेंट का नाम क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चीज ऐड करना है या कुछ चीज हटाना है, तो उसका एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, संसद को कानून पास करना होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है सिवाय हमारी पार्लियामेंट के, तो हमारा पार्लियामेंट ही है, हमारी पार्लियामेंट के पास, हाँ इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, मैं ये शब्द लिख लेता हूं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शुभम ने बहुत अच्छा एक वर्ड बोला, मैं इस पर भी अभी बात करूंगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो हमारा जो संविधान है उसको, उसमें अगर कुछ भी चेंज करना, उसमें अगर एक कॉमा भी ऐड करना है, एक फुल स्टॉप भी ऐड करना है या एक वर्ड भी डिलीट करना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारी संसद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है, जिसको हम लीगल टर्म में बोलते हैं अमेंडमेंट करना, अमेंड करना, अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। अब उसके लिए पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है, एक्ट का मतलब होता है कानून, तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसका नंबरिंग होता है। तो ये 73वां है, यानी कि इससे पहले 72 बार, 72 टाइम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया है, तो इस और इसी 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 नंबर से वो जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पीवीआर नरसिम्हा राव, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने ये एक संविधान संशोधन कानून या अधिनियम पास किया था, और ये पास करके उन्होंने क्या कर दिया था, पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था। अब ये टर्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीआरआईज वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो पंचायत को क्या बना दिया, संवैधानिक एक बॉडी बना दी, ठीक है, संस्था बना दी कि अब ये संविधान का पार्ट है, यानी कि अब इसको कोई हटा नहीं सकता, अब पंचायत जो है वो लागू होंगी, पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत को अब कोई हटा नहीं सकता। पहले क्या होता था कि जब भारत देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, संविधान में पंचायत की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट पंचायत लागू करना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, राजस्थान में शुरू किया था, गुजरात में शुरू किया था, बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार में भी शुरू हुआ था पंचायत, लेकिन वो सब फ्लॉप हो जाते थे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं देना चाहती थी पंचायत को,
अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ कोई था ही नहीं, कोई रोक 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 टोक नहीं थी, लेकिन अब पंचायत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रोक लगा सकती है उस पर, ना ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई रोक लगा सकती है। अब वो सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का सुप्रीम लॉ है हमारा। अब वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई मतलब अब उससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अब वो हर 5 साल बाद चुनाव होगा, उस गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा पंचायत को, है ना, गवर्नमेंट को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है पंचायत को लेकर, वो सब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब वो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो भारत में का जो संविधान में जो परिवर्तन हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अब पंचायती राज जो है या पंचायत जो है वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अब एक वो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और तब से आप देखेंगे कि लगातार हमारे यहाँ पर पंचायत फंक्शंस कर रहे हैं, आपके गांव में भी होगी, सबके गांव में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, जब ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने क्या किया था, इसने एक लिस्ट ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में। लिस्ट में 29 आइटम्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं कि ये चीजें हैं जो पंचायत करेगी, पंचायत के फंक्शंस क्या होंगे, पंचायत क्या करेगी। अब जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक लिस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी, जैसे कि रेलवे, आर्मी, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरा लैंड, पुलिस, स्कूल, लोकल हॉस्पिटल, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे काम का बंटवारा किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी। इसी प्रकार से एक लिस्ट और ऐड की गई जिसको हम बोलते हैं 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, हिंदी में बोलते हैं 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पहले लागू नहीं था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जब आर्टिकल 370 था तब लागू नहीं था, अभी लागू हुआ है आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, यानी कि ये 29 चीजें हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती है, या ये पंचायत का स्कोप है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये कब आया था, इससे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया गया, ठीक है, कौन सा आर्टिकल था जो पहले बोलता था कि पंचायत होनी चाहिए या सरकार पंचायत बनाएगी, वो आर्टिकल 40 था, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके मैंने आपको बताया था, अब हम जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे नीचे जो आता है वो होता है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा एक प्रकार की आपकी चौपाल है, चौपाल या बैठक बोलते हैं ना, अड्डा, जहां पर सब लोग बैठ सकते हैं। तो उस गांव के जितने भी बालिग लोग हैं, उस गांव के जितने भी वोटर्स जो जिनके पास वोटिंग राइट है, वो ग्राम सभा की मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो पंचायत में, उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं, जितना भी एरिया आता है, उस एरिया के जितने भी एडल्ट लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, वो ग्राम सभा की मीटिंग में आते हैं, ठीक है। एनीवन हु इज 18 इयर्स ओल्ड हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता है, आप में से ज्यादातर लोग गांव के हैं, इसमें आदमी लोग ही बैठते हैं क्या,
नहीं बेटा, इसमें तो दोनों लोगों के लिए है, लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि ग्राम सभा की मीटिंग में मेल आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है। घर के बाहर का काम मेल को दिया जाता है कि ये मेल्स के लिए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक्चुअल में दोनों लोग आ सकते हैं, मैन एंड वेमेन बोथ कैन ज्वाइन एंड बोथ शुड ज्वाइन। पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। तो अब ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं वो कौन हैंडल करता है, कौन उसको लीड करता है? आपका सरपंच, ठीक है। और उसमें कौन कौन लोग होते हैं? आपके जो पंच होते हैं, तो सरपंच और पंच भी आते हैं उस मीटिंग में, सारे डिस्कशंस होते हैं। अब ग्राम सभा में होता क्या है, ग्राम सभा में जो सरपंच होता है वो अपने सारे प्लान्स को रखता है सबके सामने। द ग्राम सभा इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, ठीक है। तो सारे प्लान्स को सामने रखा जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा से ऊपर आता है आपका ग्राम पंचायत। अब पंचायत में कौन होते हैं? पंचायत का मतलब होता है, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक होती है ग्राम सभा, ये अनइलेक्टेड, इसमें कोई चुनाव नहीं होता है, सारे लोग मेंबर हैं इसके, जितने लोग गांव में हैं सब आके बैठ सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत, ये आपका एक्चुअल में पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन है। इसमें कौन है? इसमें है आपका सरपंच प्लस जो पंच है, ये मिलकर बनते हैं आपके ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा में क्या होता है, सारे वोटर्स, तो अगर गांव में 100 लोग हैं वोट देने वाले, तो ग्राम सभा में कितने हो, ग्राम सभा के मेंबर कितने हो गए? 100, क्योंकि 100 लोग वोट देने वाले हैं। लेकिन ये 100 लोग कितने लोगों को चुन रहे हैं? 5 लोगों को, एक सरपंच और 4 पंच। तो ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं? 5, एक सरपंच होगा, 4 पंच होंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अंतर इसको समझिएगा। अच्छा, एक वर्ड था जो मैं भूल गया बताना, डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अब ये दो वर्ड हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। मेरे में हिंदी फॉन्ट नहीं है तो मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, और सेंट्रलाइज करना मतलब होता है केंद्रीकरण। अब जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। अब वो टीचर सारे डिसीजंस लेता है, सारे डिसीजंस, क्लास के सारे डिसीजंस वो लेता है, कब होगा क्लास, कब नहीं होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सारा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पावर का केंद्रीकरण करना, सेंट्रलाइज करना, एक आदमी के पास पावर है सारा, सारे डिसीजन एक आदमी ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता जो है वो एक जगह पर केंद्रित हो रही है ना, सेंट्रलाइज हो रही है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब वो टीचर क्या करता है कि ठीक है, मैं सारे डिसीजंस नहीं लूंगा, मैं ये जो 30 बच्चे हैं इनमें से 5 लोगों को आप चुनो, उनका एक टीम बनाते हैं, और कुछ डिसीजंस मैं लूंगा और कुछ डिसीजंस लेने का पावर मैं इन 5 लोगों को दे रहा हूं। कुछ डिसीजन तो मैं रखूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, तो सारा पावर नहीं दे रहा हूं मैं, अपनी सारी पावर नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजों पे, जैसे कि ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सा क्लास कब होना है, कुछ ऐसे डिसीजन हैं
जो मैं आप लोगों को देता हूं। आप क्या करो, आप 5 लोगों को चुनो अपने में से, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनो, अपने मॉनिटर्स चुनो और हमें बताओ, और मैं कुछ पावर अपनी डिसीजन मेकिंग की इनको दे दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर एक आदमी के हाथ में थी, अब वो 5 लोगों तक पहुंच गई। तो वो 5 लोगों के पास अब कुछ पावर है कुछ डिसीजन लेने का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। अब आप सोचिए, अगर हमारी एक ही गवर्नमेंट होती दिल्ली में बैठी हुई एक ही गवर्नमेंट है और वही सारे डिसीजन ले रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर कैसा है, सेंट्रलाइज है, यानी कि एक जगह पर है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि नहीं, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अलग अलग राज्य सरकारें होंगी, हर राज्य की अलग अलग सरकार होगी। तो ये थोड़ा पावर डिसेंट्रलाइज किया। फिर उसके बाद एक और कि नहीं, सरकार भी होगी और हर गांव के अपनी पंचायत भी होगी, उसको भी कुछ डिसीजन देने का हम पावर देते हैं कि वो कुछ अपना अपने कुछ डिसीजन खुद ले। तो अब आप देखिए इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर का विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, किसने पूछा था ये क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन, किसी ने पूछा था? समझ में आया शुभम, ठीक है। तो अब ये ग्राम सभा के ऊपर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत कैसे चुनी जाती है कि गांव में अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, ईच वार्ड इलेक्ट्स अ वार्ड मेंबर पंच, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। अब ये आप सब लोग गांव के हैं ज्यादातर, तो आप सबको पता है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे चुनाव होता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में एक और व्यक्ति होता है जो कि सरकार के द्वारा भेजा गया होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप देखें तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका इलेक्टेड लोग जिनको आप चुनते हैं, दूसरे वो लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सरकारी नौकर होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको चुना गया है एग्जाम के द्वारा एक जॉब के तौर पे। तो ये ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं हम, है ना, नौकरशाही। तो पंचायत जो होती है ग्राम पंचायत, उसमें भी ये है कि पंच होता है, सरपंच होता है जो जनता ने चुना है, लेकिन ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत का एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो वो दोनों का सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत का भी होता है और ग्राम सभा का भी होता है। ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ये चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है प्रक्रिया, जो भी काम हो रहा है। तो ग्राम सभा में क्या डिस्कशन हुआ, ग्राम पंचायत ने क्या क्या डिसीजन लिया, क्या प्लान बनाए, ठीक है, मीटिंग में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करता है, रिकॉर्ड रखता है उसका, ठीक है। तो अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, और ये गवर्नमेंट का सबसे नीचे लेवल का एम्प्लॉय है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का सबसे लास्ट एम्प्लॉय है, इसके नीचे और कोई नहीं, सचिव, ग्राम सेवक सचिव, ठीक है।
तो अब फंक्शंस वगैरह तो आपको पता ही है, इसके हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें और तो कुछ है नहीं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, गांव में पानी की व्यवस्था करना, रोड की व्यवस्था करना, नाली, ड्रेनेज, स्कूल, ये सारी, और दूसरी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ये सब पंचायत के फंक्शंस में आता है, ठीक है। फिर पंचायत के पास एक और पावर होता है टू कलेक्ट लोकल टैक्स, तो आपके जो हाउस टैक्स होता है, ठीक है। धम्मदीप, क्या क्वेश्चन है आपका भाई? पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से होता है, वार्ड मेंबर्स कितने होने चाहिए, ये जनसंख्या के आधार पर। तो दूसरा जो है वो लोकल टैक्स कलेक्ट करता है ना। अब लोकल टैक्स आप देखोगे कि बहुत सारे गांव में मार्केट लगती है, साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार मार्केट लगती है, या मेला लगता है ना, या कोई ग्राम पंचायत में कोई प्राइवेट स्कूल खुलता है, राइट, या कुछ तो ऐसा होता है, तो उस पर भी पंचायत जो है वो टैक्स लगाती है ना। तो टैक्स को कलेक्ट करना और लेवी करना, लेवी करने का मतलब होता है लगाना, टैक्स को लगाना, लेवी करना, ठीक है। तो लेवी एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो काम है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना, यानी कि लागू करना। अब आपने सुना होगा नरेगा के बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, तो नरेगा में किसको जॉब लगेगा, किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसकी जो लिस्ट है वो कौन बनाता है? पंचायत बनाती है। गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, लेकिन किसको फायदा मिलेगा? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स का जो फायदा है, किसको मिलेगा, गांव में किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सारे जो काम है वो आपकी पंचायत करती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और अब सोर्सेज ऑफ फंड्स, पंचायत, अब पंचायत एक संस्था है तो उसको चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? बहुत सारे टैक्स वसूल करती है, जैसे कि हाउस टैक्स लगाती है, मार्केट पे जो दुकानें हैं उनसे टैक्स लेती है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा आता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये तीन लेवल है मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। तो ये हम पिछली बार ये सब पढ़ चुके थे, अब हम आज जो है वो पढ़ेंगे। मैंने आपको पंचायत का बताया था, आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दूसरा जो हिस्सा है ना। एक हिस्सा इलेक्टेड का है, इलेक्शन का है कि सरपंच चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, या हम मिनिस्टर चुनते हैं, या हम अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। दूसरा हिस्सा जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पुलिस है, ठीक है, आपका जो लोकल, आपके जो ऑफिसर्स हैं वो, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैंने पावर पॉइंट नहीं बनाया है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं, है ना, उसमें कुछ पावर पॉइंट जैसा बनाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधे आपसे चैप्टर वो शेयर करता हूँ, ठीक है, और वो चैप्टर उसी से मैं आपको मेन मेन चीज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों को ये पीडीएफ दिख रहा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, पीपीटी जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है ना, दिख रहा है, ठीक है। इसको पढ़िए जरा, अच्छा आपको दिखेगा नहीं, आपके पास ये पीडीएफ होगा ना, आप लोगों के पास डिजिटल नालंदा में है, यह मैंने शेयर किया था सोशल साइंस के पेज पर, देखिए चैप्टर 6,
एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा आप पढ़ें इसको पहले, एक पेज को, क्योंकि ये मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। पढ़िए इसको, इस पेज को, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, पढ़ना शुरू करिए। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब मैं दूसरा पेज आपको, आगे का पेज दिखा रहा हूं। सिर्फ पढ़िए, तब तक मैं 2 मिनट में शुरू करता हूं। पूरा नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट, हो गया। चलिए, सो लेट मी नाउ स्टार्ट। और इस दौरान मैंने नाश्ता भी कर लिया, मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया और खुद नाश्ता कर लिया जल्दी जल्दी। आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगेगा भी तो कुछ कर नहीं सकते आप मेरा, आई एम अ टीचर। चलिए, मुझे बहुत भूख लगी थी कल रात से, कल शाम को खाना खाया। चलिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको इसमें मेन मेन पॉइंट पढ़ाता हूं। इसमें कुछ है नहीं खास इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बस आपको समझने के लिए है कि कैसे चीजें काम करती हैं। तो लेट मी स्टार्ट। अभी मैंने इसको, इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे देश में 6 लाख हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। अब हर गांव की अपनी समस्याएं हैं, उनको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड कनेक्शन चाहिए। अब ये एक छोटा काम नहीं है, इट इज नॉट ए स्मॉल टास्क, क्योंकि आप अगर गांव का देखें तो गांव में दूरियां भी होती हैं। शहर एक जगह होता है, कॉम्पैक्ट होता है, आप प्लान कर सकते हैं, आप नालियां बना सकते हैं, आप रोड बना सकते हैं, क्योंकि कनेक्टेड है। लेकिन गांव बिखरे हुए हैं, अलग 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 बिखरे हुए हैं। तो गांव में विकास करना एक डिफिकल्ट काम है, इट इज नॉट एन इजी टास्क। और जो गांव का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, जमीन के जो कागज हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर आधारित है। हमारे लगभग सारे गांव का, अगर आप भारत में किसी भी कोने में चले जाएं, तो ये जो 6 लाख गांव हैं, इन सब में अगर आप देखें तो मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या है, मेन क्या काम करते हैं, वो खेती करते हैं, है ना। तो लैंड रिकॉर्ड्स, गांव के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं खेती के, उनको मेंटेन करना हमारी सरकार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और उसकी वजह से झगड़े भी बहुत होते हैं। आप जो लोग गांव के हैं उनको पता होगा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां झगड़े चलते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द लैंड। तो देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। तो अब गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है मशीनरी, मशीनरी का मतलब होता है पूरी व्यवस्था। तो सरकार की पूरी एक व्यवस्था होती है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है इन सारी चीजों को डील करने के लिए। क्या क्या चीजें,
गांव का विकास, गांव के लैंड रिकॉर्ड्स और गांव के जो झगड़े हैं जमीन के, उनसे निपटाने के लिए गवर्नमेंट के पास अपना एक एक बहुत बड़ा महकमा होता है, मशीनरी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर इस चैप्टर में उन्होंने सिर्फ दो के बारे में बताया है, दो, देयर आर टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एक तो आप देखोगे कि पुलिस, लोकल पुलिस जो होती है, और दूसरा जो आपका पटवारी होता है, गांव में एक पटवारी होता है, आप सबको पता होगा, है ना, पटवारी, ग्राम सेवक, है ना। तो इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अब इसमें एक कहानी लिखी है कि देयर इज अ क्वेरल इन द विलेज। तो क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो मोहन नाम का एक किसान है, उसके पास एक छोटी खेती की जमीन है, ही ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड जिसको वो बहुत सालों से, इस पर वो फार्मिंग करता आया है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में, मतलब मोहन की जो जमीन है उससे लगा हुआ जो जमीन है वो एक दूसरे किसान की है जिसका नाम रघु है। और आपने देखा होगा कि गांव में मेड़ होती है, मेड़ जिसको बंड बोलते हैं, ठीक है। और मेड़ जो होती है वो बाउंड्री होती है दो खेत के बीच में, एक का खेत है ये एक खेत है, ये दूसरा खेत है, तो इनके बीच में एक मिट्टी की मेड़ बनाई जाती है। इसको लेकर बहुत झगड़े होते हैं, है ना, कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो मेड़ है जिसको हम हिंदी में मेड़ बोलते हैं, इनको जो है वो खिसका देते हैं, इधर ले आते हैं, और इतना जमीन का टुकड़ा उनका हो जाता है, और इतने 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 जमीन के टुकड़े पर मर्डर भी हो जाते हैं हमारे यूपी में ना, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पे लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं, तो परिवार परिवार के परिवार मार देते हैं, ठीक है। तो अब जमीन आप देखोगे गांव का जितना भी झगड़े हैं 70-80% जमीन से रिलेटेड होते हैं, खेती की जो जमीन होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बन बाय अ फ्यू फीट। एक दिन मोहन क्या देखता है कि जो रघु है उसने अपनी जो मेड़ है उसको शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ही हैज टेकन ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड, उसने मोहन की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है, एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। तो मोहन को गुस्सा आता है लेकिन वो थोड़ा घबराया भी है, डरता भी है, क्योंकि रघु एक पावरफुल व्यक्ति है, रघु के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत लैंड है, ठीक है। तो रघुज फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। अब मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि पंचायत जब व्यवस्था लागू करने की बात हो रही थी तो डिबेट था, बहुत डिस्कशन हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यू था वो ये था कि पंचायत जो है, अगर आप पंचायत ऐसे ही बना देते हैं तो बेसिकली जो पावरफुल लोग हैं गांव के उनको आप और ज्यादा पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि रघु के पास बहुत जमीन है और रघु के जो अंकल हैं वो गांव के सरपंच हैं, तो इसलिए मोहन जो है वो डर रहा है कि शिकायत करे या ना करे। बट फिर भी वो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। टू प्लक अप करेज मतलब हिम्मत दिखाना, टू प्लक अप करेज है ना, एक फ्रेज है, मुहावरा है। तो टू प्लक अप करेज यानी कि अपनी साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना। तो फिर भी वो हिम्मत दिखाता है और रघु के घर जाता है। अब वहां पर रघु और मोहन के बीच में हीटेड आर्गुमेंट होते हैं। हीटेड आर्गुमेंट का मतलब है गुस्से में आरोप प्रत्यारोप, झगड़ा। हीटेड आर्गुमेंट का मतलब होता है झगड़ा, तो आपस में वो बहुत झगड़ते हैं, है ना, हीटेड आर्गुमेंट होता है।
रघु जो है वो अपनी गलती मानने से मना कर देता है. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बोन. ठीक है, तो रघु जो है वो अपनी गलती नहीं मानता है एंड ही बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम. रघु जो है, रघु पावरफुल व्यक्ति है, गांव का जमींदार है, वो अपने हेल्पर्स को बुलाता है और मोहन को मारना शुरू करता है. ठीक है, द नेबर हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट. तो नेबर्स मतलब पड़ोसी, पड़ोसियों को ये जो झगड़ा है ये सुनाई देता है. कमोशन का मतलब क्या होता है? कोलाहल. जब कोई झगड़ा होता है तो आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप आवाजें आ रही हैं, तो शोर की आवाज, शोर शराबा. कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, है ना, झगड़े की आवाज. तो वो कमोशन को सुनकर जो पड़ोसी हैं वो आते हैं और वो उसको बचाते हैं. ठीक है, तो मोहन वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. ठीक है, उसको बहुत चोट लगी थी. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड. ठीक है, फिर उसके बाद उसके दोस्त लोग क्या बोलते हैं, दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट. तो जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ और रिपोर्ट को फाइल करो. अब ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की बात हो रही है कि गांव का जो पुलिस थाना है वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, झगड़ों को रोकने के लिए, और अगर झगड़ा हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन और जो जिसने किया है उसको पनिश करने के लिए, है ना. तो फाइल द रिपोर्ट. अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया. तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग मोहन को पुलिस थाने में जाना चाहिए और रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए. कुछ लोगों को शंका थी, कुछ लोग सहमत नहीं थे. अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया. तो उनको डाउट था कि ये अच्छा आइडिया है या नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि दिस विल बी अ वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट. दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट. पुलिस के पास जाना बेकार है, कुछ होगा नहीं, पैसा चला जाएगा, जाने आने का खर्चा जाएगा और कुछ उससे हासिल नहीं होगा. अब आप देखिए कि ये जो पुलिस को लेकर ये जो सोच है ये आपकी और हमारी भी सोच है. पुलिस के पास जाना हम अवॉइड करते हैं. छोटी मोटी चीज पे तो हम जाते ही नहीं. मोबाइल चोरी हो गया या कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया, हम नहीं जाते. छोटे मोटे झगड़े हो गए, नहीं जाते. अनलेस एंड अंटिल कुछ बहुत बड़ा कोई क्राइम हो, हम पुलिस को अवॉइड करते हैं. क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? हम क्यों पुलिस को अवॉइड करते हैं? हाँ, धुरा कहते हैं आकाश. बताइए, पुलिस को लेकर आपके मन में क्या इमेज है? ईमानदारी से बताइए. अगर मैं आपको बोलता हूं कि कुछ हो गया है, आपको शिकायत करनी है, पुलिस के पास चलो, कितने लोग तुरंत तैयार हो जाएंगे? कितने लोग सोचेंगे अरे यार पुलिस वाले तो और ज्यादा तंग करेंगे. शुभम का कहना है कि पुलिस का बिहेवियर रूड रहता है. प्रतीक्षा का कहना है जो लोग पावरफुल हैं वो लोग पुलिस को खरीद लेते हैं. सुधा का कहना है बिना पैसे के काम नहीं करती है पुलिस. ज्योति का कहना है कि वो हमको ही गुनाहगार मानते हैं. प्रगति का कहना है वो सुनते नहीं है. धम्मदीप का पैसा लेते हैं. काजल हमें पुलिस के पास जाना चाहिए. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. आकाश इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं. पुलिस वालों की पहले से ही पहचान होती है गांव के बड़े लोगों के साथ. कोऑपरेट करते ही बैड बिहेवियर होता है क्योंकि हमें लगता है पुलिस न्याय नहीं करती है, वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं. ठीक है, अब ये बहुत ही कॉमन
एक परसेप्शन है, बहुत ही कॉमन इमेज है और हम सबके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में वही इमेज है पुलिस को लेकर जो आपके दिमाग में है, कि पुलिस के पास जाना मतलब पनिशमेंट लगता है, कि पुलिस से बात नहीं करेंगे, पुलिस के पास, पुलिस थाने में नहीं जाएंगे। और जब भी मैं एक दो बार गया हूँ किसी काम से, तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये बात एकदम सही है। सही से वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, सही से बिहेव नहीं करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। इवन अगर क्राइम आपके साथ हुआ है, फिर भी वो आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे कि आपने क्राइम किया है, या ये आपकी गलती है कि क्राइम हुआ है ना, आपके साथ जो क्राइम हुआ है वो आपकी गलती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन जो है वो एक इमेज है पुलिस की, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि हमारी जो पुलिस है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। आपके ये जो आंसर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? आपने जो भी आंसर दिए, सबने सब सबके आंसर में एक ही चीज कॉमन है, और वो है कि लोगों का पुलिस पर फेथ नहीं, विश्वास नहीं। पुलिस पैसे लेकर काम करती है, पुलिस बड़े लोगों के साथ रहती है, पुलिस रूढ़ होती है, आप सब ये बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। क्या सारे पुलिस वाले रूढ़ होते हैं? क्या सारे पुलिस वाले पैसे लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में परसेप्शन बना है, एक इमेज उनकी क्रिएट हो गई। और ज्यादातर हम डिसीजंस लेते हैं जब लाइफ के, तो हम डिसीजंस परसेप्शन के आधार पर लेते हैं, हमारी सोच क्या बोलती है उसके आधार पर लेते हैं, और इसीलिए पुलिस से हमको ज्यादा डर लगता है। क्रिमिनल्स जो है वो पुलिस से उतना नहीं डरते हैं जितना डर कॉमन सिटीजन्स को होता है, ठीक है। तो जितना कॉलोनियल माइंडसेट है सुबह, ठीक है, तो जितना जो घबराहट या डर आम आदमी के मन में पुलिस को है, उतना क्रिमिनल्स के मन नहीं है। तो एक ये है, तो वही बात यहाँ पर है कि लोग जो है वो उसको सलाह दे रहे हैं कि आप मत जाओ, ठीक है। और Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. लेकिन फिर भी मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है। अब देखिए यहाँ पर मस्त फोटो दिख रहा है आपको, और इसमें ये दो फोटो है, ये तो गांधी जी दिख गए और ये बाबा साहब, ठीक है। कितना अच्छा बना हुआ बाबा साहब को देखिए, दो चश्मे, एंड बाबा साहब इज स्माइलिंग, हंस रहे, ठीक है। और गांधी जी का साइड पोर्ट्रेट है, शायद उम्मीद है मुझे बाबा साहब ही हैं। अब ये पुलिस वाला है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ का जो नेक्स्ट जो स्टोरी का पार्ट है वो पुलिस का उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब प्रियंका क्या बोल रही है, हमारा जब फोन चोरी हुआ तो हम रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम ही लिखो क्या हुआ था। पुलिस स्टेशन में कास्ट को लेकर भी प्रेजुडिस है, हाँ बिल्कुल सही बात। पुलिस वाला सबसे पहले आपकी जाति पूछता है, कितनी बार मेरे साथ हुआ है, कुछ रिपोर्ट लिखवाने जाओ या कुछ भी, आपकी कास्ट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पुलिस वाले पूछते हैं। तो कास्ट तो सर्वव्यापी है भारत में, ठीक है। तो अब यहां पे जो दूसरा पार्ट है वो आपको ये बता रहा है कि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है ना, उस एरिया के अंदर जो भी क्राइम हुआ है वो आपको सबसे पहले उस थाने में जाकर जांच करना पड़ता है। आप सीधे आप पुलिस आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते, आप कोई सीधे आप मेन पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते, आप कोतवाली जिला कोतवाली में नहीं जा सकते। तो आपको सबसे पहले आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर रिपोर्ट लिखवानी होती है, ठीक है। तो अब जब ये दिखाया हुआ कि जब पूछा गया उससे कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, ठीक है,
तो गांव के लोगों को विश्वास नहीं था कि गांव का जो पुलिस थाना है वो उनको न्याय देगा या वो उनको रिपोर्ट लिखेगा। तो गांव वाले बात कर रहे हैं आपस में कि हम लोग शहर चलते हैं और शहर का जो मेन पुलिस स्टेशन है उसमें रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो जवाब आता है, मोहन क्या जवाब देता है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन। तो मोहन बोलता है पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम इसी थाने में रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इस थाने के अंदर आता है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। ठीक है, अब हर पुलिस थाने का अपना एक एरिया होता है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। कोई भी केस अगर होता है चोरी का, कोई भी क्राइम हो तो आपको उस एरिया के पुलिस थाने में जाना पड़ता है, दूसरा पुलिस थाना उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब मोहन गया, मोहन शोड हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। अब SHO कौन होता है, जो आपका स्टेशन का ये स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, जो थाना इंचार्ज होता है। ठीक है, तो जब मोहन और उसके दोस्त पहुंच गए, when they reached at the police station, मोहन went to the person in charge। ठीक है, तो थाने का जो इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैज हैपेंड, ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, कि वो लिखित शिकायत करना चाहता है, लेकिन SHO रूडली जवाब देता है। जैसा आप लोगों ने बताया कि पुलिस के पास आप इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत रूड बिहेव करती है। तो द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड। ठीक है, टू ब्रश समवन असाइड का मतलब है बात नहीं सुनना। आप कुछ बोल रहे हैं और मैं आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं और मैं कुछ और ही बोल रहा हूं। ठीक है, आपकी बात को काट रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं टू ब्रश असाइड, ऐसे हटा देना, सामने से हटा देना। तो SHO ने क्या किया, उसकी बात को नहीं सुना, saying that he could not be bothered to waste his time, कि आप हमको परेशान मत करो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है और ये छोटी कंप्लेन है, बहुत छोटी मारपीट है, ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है। ठीक है, इट इज अ माइनर कंप्लेंट। और जब मोहन ने उसको अपनी इंजरी दिखाई, चोट दिखाई, फिर भी SHO ने विश्वास नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। ठीक है, जब बहुत प्रेशर डाला तो पुलिस वाले ने फिर रिपोर्ट लिखी, ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है चैप्टर में, वो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गांव का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है। ठीक है, जमीन है, जमीन को लेकर झगड़ा होता है, झगड़े में मारपीट होती है, मारपीट में वो थाने में जाता है, थाने में वो रिपोर्ट नहीं लिखने देते हैं, फिर प्रेशर डालते हैं गाँव वाले, तब वो रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, अब गाँव की ये जो झगड़ा है वो सुलझेगा कैसे, वो होता है जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो एक बहुत ही मेजर फंक्शन होता है वो होता है टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स। अब आप में से बहुत सारे लोग किसान परिवार से हैं, आपको पता है कि जमीन का जो पट्टा होता है ना, 7/12 या पट्टा जो बोलते हैं, जिसपे वसीयत जो क्या बोलते हैं उसको, पट्टा ही बोलते हैं ना जमीन का, किसके नाम पर पट्टा होता है, उसमें कितना जमीन होता है, उसका एरिया दिया होता है, वो पेपर सबसे ज्यादा मतलब आपका खजाने की तरह होता है। लोग उसको बहुत उसको सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो गांव का जो पट्टा होता है, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, तो अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन को ना हड़प सके, है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है।
अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, आप ऑनलाइन डाल के वो खसरा नंबर होता है, खसरा नंबर डाल के वो जमीन का नंबर है ना ज्योति बोल रही 712, हाँ 712 भी होता है। हमारे दूर के रिश्तेदार हमारा पट्टा यूज करके अमीर हो गए बहुत ज्यादा तो आपके रिश्तेदार ने आपकी जमीन छीन ली, आप छीन नहीं पाए वापस, ज्योति होल्डिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकड़ नहीं छीनी है, पट्टा यूज किया। अच्छा गाड़ी जैसी भी ले, अच्छा ओके ओके ओके, उन्होंने पैसा उठाया उसमें, ओके ओके गॉट इट। तो ये सब बहुत होता है सॉरी ज्योति आपको ये परेशानी है, लेकिन लड़िए आप ठीक है। चलिए तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो अब जो गांव का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है कि जमीन के जो दस्तावेज हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल पटवारी का होता है, आपके गांव का एक पटवारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो गांव का मैप भी होगा, ठीक है, आपके जमीन का मैप भी उसके पास होता है। तो यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्गुइंग हीटेडली whether the common boundary of their fields had been shifted. तो आपने देखा इस कहानी में झगड़ा किसके बीच था, मोहन और रघु के बीच में था, और झगड़ा किस बात था कि जो कॉमन बाउंड्री है फील्ड की, जो मेड़ है, जो उन दोनों की जमीन के बीच का जो मेड़ है, क्या वो शिफ्ट हुआ है। मोहन का कहना है कि रघु ने शिफ्ट किया है और शिफ्ट करके हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ठीक है। तो क्या कोई तरीका होता है इसकी जांच करने का, तो आप देखेंगे कि ये काम पटवारी का होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, मेजरिंग लैंड, जमीन की नाप करना। तो उनके पास एक कड़ी होती है, लोहे की कड़ी होती है, लोहे का चेन जैसा होता है, उससे वो नापते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लोहे की कड़ी होती है जिससे जमीन नापी जाती है, उनको याद नहीं आ रहा है, किसी ने देखा है जमीन की नाप होते हुए, आप में से देखा होगा, गांव के जितने बच्चे सबने देखा होगा, कड़ियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए एक लोहे का वो होता है, वो चेन जैसा होता है, रस्सी से नहीं नापते बेटा, पता नहीं आप कहाँ नापते हो, वो चेन की होती है ठीक है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ साथ कड़ी ही बोलते हैं उसको। तो जमीन की माप करना, ठीक है, जमीन की माप करना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये मेन काम होता है ऑफ द पटवारी। अब पटवारी को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है, कहीं पे पटवारी को लेखपाल बोला जाता है, कहीं पे कानून गो बोला जाता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। तो कहीं पर पटवारी को हाँ लाठी भी होती है, यस लकड़ी भी होती है, बिल्कुल लकड़ी लाठी से लाठी होती है, वो भी होता है। तो इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानून गो कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स, ठीक है। तो पटवारी बोलिए, चाहे कानून गो बोलिए, चाहे लेखपाल बोलिए, सब एक ही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, इस चैप्टर में पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो एक पटवारी के अंडर में 5-6-10 गांव होते हैं, ठीक है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, और पटवारी का काम क्या है, गांव के सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखना,
ठीक है, वो क्या करता है आपको मैप बनाता है, द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल लैंड। तो पटवारी के पास कई तरीके होते हैं खेती वाली जो जमीन है उसको नापने का। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, कुछ जगहों पर लोहे की एक चेन होती है उससे नापते हैं। मैंने जो देखा था बचपन में वो लोहे की चेन कड़ी होती है बहुत भारी, उससे नापते हैं, तो लॉन्ग चेन से नापते हैं, ठीक है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक काम पटवारी का है जमीन की नापना, जमीन का डॉक्यूमेंट तैयार करना, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। तो हर खेत में कौन सी क्रॉप लग रही है, आप अगर मैं किसान हूं मैं सोयाबीन लगा रहा हूं या मैं कॉटन लगा रहा हूं या मैं उड़द की दाल बो की खेती कर रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन लेखपाल या पटवारी रखता है और वो सरकार को देता है। उसी से सरकार को अंदाजा लगता है कि भारत में कितनी खेती हो रही है, भारत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दाल का कितना प्रोडक्शन होगा, चावल का कितना प्रोडक्शन होगा। तो हर गांव में हर खेत की जानकारी पटवारी रखता है कि उस खेत में क्या उगाया जा रहा है, ठीक है। तो द पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स and providing information to the government about the crops grown in this area. तो पटवारी न केवल जमीन को नापता है बल्कि अगर सरकार को कोई टैक्स वसूल करना होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है लैंड टैक्स, है ना, रेवेन्यू का मतलब है यहाँ पर टैक्स। तो जमीन से रिलेटेड कोई अगर टैक्स वसूल करना होता है तो पटवारी करता है, है ना, पटवारी जिम्मेदार होता है और क्या करता है, वो सरकार को इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को कि किस खेत में क्या चीज उपजाई जा रही है, क्या चीज उगाया जा रहा है, ठीक है। अभी सब ये ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू अपडेट दिस, ठीक है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर। अब किस गांव में किस खेत में कुआं है या नहीं इसकी भी जिम्मेदारी पटवारी की होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खसरा रिकॉर्ड। अब इसको हम हिंदी में खसरा बोलते हैं, ये खसरा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड का आपको एक 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 एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं खसरा रिकॉर्ड, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम, ठीक है। अब आप देखिए कि जो जमीन के दस्तावेज होते हैं पटवारी के पास उसको हम क्या बोलते हैं, खसरा, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसका है, इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाई होम, विच प्लॉट ऑफ लैंड मतलब कौन सा जमीन का टुकड़ा किसका है, ठीक है। अब आपको उसने एग्जाम्पल दिया है खसरा नंबर 5 का। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, ऊपर के कॉलम देखिए हेक्टेयर में एरिया दिया हुआ है ना। अब बहुत सारी जगहों पर हम एकड़ यूज करते हैं, कहीं पर हम हेक्टेयर यूज करते हैं, कहीं पर बीघा होता है ना। तो जमीन का अलग अलग, जमीन के एरिया का अलग अलग यूनिट है ना, अलग अलग। जैसे हमारे यूपी में बीघा ही चलता है, यहाँ पे एकड़ चलता है महाराष्ट्र में। तो अलग अलग एरिया में गट नंबर बोलते हैं, धम्मदीप बोल रहे, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो खेत है खसरा नंबर 5, एक एरिया किसका है, उसका 2 हेक्टेयर का, ठीक है।
सॉरी 0.75 हेक्टेयर, इतना एरिया है खेत का, किसका नाम पर है, मोहन के नाम पर है, ठीक है, सन ऑफ राजा राम, विलेज आम्रपुरा, ओनर, ठीक है। क्या ये रेंटेड है? इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, यानी कि क्या मोहन ने ये जमीन किसी और को दी है किराए पर, तो लिखा है नो। फिर क्या फसल बोया, सोयाबीन बोया, कितने में बोया, 0.75, यानी कि पूरे खेत में उसने सोयाबीन लगाई, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरे खेत के बारे में है, दूसरे खेत के दूसरा खेत क्या है, रघुराम का है, कितना एरिया है, 3 हेक्टेयर, क्या उसने किसी को रेंट पे दिया है, नो। क्या क्या फसल लगाई है, उसने सोयाबीन लगाया है, वीट लगाया है, और ये जमीन क्या है, इरिगेटेड है। अब सिंचित जमीन है, यानी कि यहां पर सिंचाई के साधन मौजूद है, या तो कुआं होगा, या हैंडपंप होगा, कुछ तो होगा, या कनाल का पानी आता होगा, तो ये इरिगेटेड लैंड है। इरिगेटेड लैंड का मतलब क्या होता है कि बारिश के अलावा भी वहां पर सिंचाई के साधन है। तो यहां पर क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर कुआं है, वेल, तो इसके खेत में कुआं है, तो इसीलिए अब ये जमीन क्या हो गई, इरिगेटेड लैंड। ये जो जमीन है मोहन की, ये नॉन इरिगेटेड है, यानी कि ये जो किसान है ये बेचारा बारिश पर डिपेंडेंट है, इसके पास कुआं नहीं है, इसके पास मोटर नहीं है, इसके पास सिंचाई के अपने कोई साधन नहीं है, तो ये नॉन इरिगेटेड है, ये इरिगेटेड लैंड है। फिर आप उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की जमीन है, तो पहले मोहन की जमीन है, फिर रघु की जमीन है, फिर आप देखोगे कि सरकार की ग्रासलैंड है, यानी कि घास, फॉरेस्ट नहीं है, घास, घास का मैदान है, ठीक है, सरकार का है। तो ऐसा पूरा एक ये रिपोर्ट बनाते हैं। अब देखिए, अब ये जो है आपका मैप भी है, ये खसरा हो गया और ये मैप है, ये पटवारी का रिकॉर्ड है, देखिए, हाँ, बंजर जमीन का भी होता है। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, वन, नंबर वन, मोहन की जमीन क्या है, नंबर वन, रघु की जमीन क्या है, नंबर दो, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की जमीन क्या है, नंबर तीन, तो यहां पर आपको लिखेगा नंबर एक, ठीक है, नंबर दो। अब आप देखिए नंबर दो में यहां पर कुआं है, ये कुआं है, और ये नंबर तीन जो है वो सरकार की है, ये ग्रासलैंड है, सरकार का है, ठीक है। अब इसके सिंबल है, अब आप देखिए यहां पे लेजेंड दिया हुआ है, लेजेंड का मतलब होता है सिंबल, ये लाइन बाउंड्री का सिंबल है, ये कुएं का सिंबल है। तो यहां पर आप देखोगे कि खेत नंबर दो में कुआं है, खेत नंबर आठ में भी कुआं है, तीन नंबर में भी कुआं है, चार में कुआं नहीं है, एक में भी कुआं नहीं है, ठीक है, तो आप इससे, सात नंबर में भी कुआं नहीं है, वेल नहीं है, ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये ग्रासलैंड का साइन है, ये ग्रासलैंड है, यानी कि ये सरकार की है, घास का मैदान है, यहां पर खेती नहीं होती है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है या सरकार की जमीन है, यहां पर खेती नहीं होती, ठीक है। अब ये देखिए कि जो सिंगल लाइन है और इधर रोड पे डबल लाइन है, तो सिंगल लाइन का मतलब होता है कि ये कच्ची सड़क है, दिस इज कच्ची सड़क, और डबल लाइन का मतलब है कि ये पक्की सड़क है, डामर की रोड है या सीमेंट की रोड है या जो भी है, ठीक है, ये पक्की सड़क है ना, पक्का रोड है, और ये आपका कच्चा रोड है, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों चीजें पटवारी मेंटेन करता है, खसरा, ये खसरा जो लैंड रिकॉर्ड होता है, और ये आपका मैप होता है, ठीक है, इससे सारी चीजें गवर्नमेंट को पता चलती है।
खसरे पे जो है वो भी लिखा होता है, कितना एरिया उसने खेती किया, कौन सा क्रॉप लगाया, उस सारा जानकारी इसमें दिया होता है। ठीक है, तो अब ये जो पटवारी जो होता है वो बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जो राज्य सरकार का राजस्व विभाग है, ठीक है, तो वो उसके अंडर में आता है। ठीक है, दिस ही वर्क्स अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंडर में पटवारी आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब होता है राजस्व विभाग, लैंड का उसके अंडर में रहता है। ठीक है, तो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, दीज सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। अब देखिए, तो ये तो गाँव के लेवल पे हो गया। अब फिर क्या होता है कि अगर आप देखो तो सबसे ऊपर आता है आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपके कलेक्टर के अंदर में होता है। कलेक्टर के अंदर में होता है, ठीक है। फिर आपका आता है तहसील, तहसील या तालुका, ये किसके अंडर में रहता है, ये आपका तहसीलदार होता है। इसके अंडर में आपके सारे लेखपाल या पटवारी होते हैं। फिर ये जो विलेज के लेवल पे आपका आपका ये पटवारी होता है। ठीक है, तो ये सारा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। तो लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू, इन सब का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, डिस्ट्रिक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं किस पर, तहसील लेवल पर। तो सबसे ऊपर जिला, फिर तहसील लेवल। ठीक है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेड होता है लैंड का, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, और तहसील लेवल पे जो लैंड रिकॉर्ड्स का हेड होता है वो आपका तहसीलदार होता है। और जमीन को लेकर जो भी झगड़ा होता है, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो तहसीलदार मेन व्यक्ति होता है, और तहसीलदार क्या करता है, अगर दो लोगों के बीच में कुछ जमीन की एरिया को लेकर कुछ झगड़ा है तो वो तहसीलदार के पास जाते हैं। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज। और गांव के जितने भी पटवारीज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कौन, वो किसके अंडर में काम करता है, तो वो तहसीलदार के अंडर में काम करता है। ठीक है, तहसीलदार की जिम्मेदारी है ये चेक करना कि रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि सारे गांव के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से रखे गए हैं, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होना है, यानी कि जो भी टैक्स कलेक्ट होना है, वो तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑप्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो तहसीलदार मेन व्यक्ति होता है। तो आप देखोगे कि सारे, अगर आपको लैंड रिकॉर्ड निकलवाने हैं या आपको आपके कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, तो आप तहसीलदार के पास जाते हैं। ठीक है, तहसीलदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन है, लैंड रिकॉर्ड और सबका, आपका कलेक्टर। गांव में कौन देखता है, पटवारी। ठीक है, फिर बहुत सारे गांव को मिलाकर एक तहसील बनती है। तहसील एक्चुअली आपका मेन होता है लैंड रिकॉर्ड्स। अगर आपको लैंड से रिलेटेड कुछ भी करना है तो आपको तहसीलदार के पास जाना होता है। मेन अगर आप देखते तो तहसीलदार सारे झगड़े वगैरह वही निपटाता है। तहसीलदार आपके सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो सब तहसीलदार से निकलते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। ठीक है, अब ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक कविता है। ठीक है, और आज आपका राइटिंग का जो वर्कशॉप है
चार बजे में जो लूंगा इस पर लूंगा, मैं आपको एक कविता ये दूंगा और ये फोटो दूंगा, आपको इस पर अपने विचार लिखने हैं, ठीक है? आपको मैं आधा घंटे दूंगा, यू हैव टू राइट इट। और इंग्लिश हिंदी की चिंता नहीं करनी है, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी में लिखे, मिक्स करके लिख सकते हैं लिखे, मिक्स करके लिखे। ग्रामर की भी चिंता नहीं करनी है, सेंटेंस सही है या गलत, कुछ चिंता नहीं करनी, आपके मन में जो भी आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है? तो ये कविता है अ डॉटर्स विश, एक बेटी की आशा, है ना? विश का मतलब है ख्वाहिश, इच्छा। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, मेरे पापा को ये घर मिला उनके पापा से, उन्होंने इनहेरिट किया। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? वसीयत, मतलब क्या बोलते हैं, इनहेरिट किया है मतलब उत्तराधिकार, है ना? उनको उत्तराधिकार में मिला है। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, और हर कोई बोल रहा है कि अब ये जो घर है वो किसको इनहेरिट होगा, किसको उत्तराधिकार में मिलेगा? मेरे भाई को। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, ये जो घर है ये मेरे बाप को मेरे उनके बाप से मिला, और मेरा बाप जो है वो मेरे भाई को ये घर देके जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या? बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमनली आई एम टोल्ड। तो मेरे फादर के घर में हिस्सा मांगना ये अच्छी बात नहीं है स्त्रियों के लिए, ऐसा मुझे बोला जाता है। आई एम टोल्ड मतलब ऐसा कहा जाता है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मेरी अपनी जगह हो, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, घर में हिस्सा चाहिए, ठीक है? तो ये अंजलि मोंटेरियो नाम की प्रोफेसर है, उनकी कविता है शायद, ठीक है? आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी, तो मुझे घर चाहिए, अपना अपनी जगह चाहिए रहने को, दहेज नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऐसा है, इस पर मैं आज आपसे लिखवाऊंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि कुछ गलत सही नहीं होता है, तो आप ये मत सोचेगा कि ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, आपके मन में जो आ रहा है वही सही है, ठीक है? वही लिख लो। तो 4 बजे मिलते हैं, ठीक है? अब इसी को लेकर ये आपका अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, हाँ, इसी पोएम पे लिखना है। तो अब एक नया कानून बना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब ये वर्ड अमेंडमेंट लगा हुआ है, मतलब एक कोई पुराना कानून था उसमें बदलाव लाया गया, चेंज लाया गया। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, तो जो हिंदू फैमिली है अगर फादर की डेथ हो जाती है या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है, इस पर एक कानून है जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन लॉ या हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, तो हिंदू उत्तराधिकार का एक कानून है, ठीक है? हाँ, हिंदू कोर्ट बिल का ही पार्ट है, ठीक है? तो इसमें अभी 2005 में चेंज लाया गया था और उसमें यह ऐड किया गया था कि जो बेटी है उसको भी बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार है, ठीक है? अब आप में से कितने लोग हैं, आपके घरों में
दादाजी दादी जी की जो प्रॉपर्टी है उसका जब बंटवारा होता है तो भाइयों में प्रॉपर्टी बढ़ती है, बहनों में नहीं बढ़ती है ना। बहन को ये बोला जाता है कि वो दूसरे घर में है, वो दूसरे घर जाएगी, शादी हो जाएगी और हम दहेज दे रहे हैं, है ना। तो किसी की फैमिली में ऐसा हुआ है कि बहन को भी मिला है जमीन, भाइयों को भी मिली है और बहन को भी मिली है। मेरी बुआ को मिला है, वेरी गुड। आकाश बोल रहे बहनों को देते हैं, ऐसा बोलते हैं ट्राइबल हिंदू नहीं है तो वो एक्ट उनके लिए लागू नहीं होगा। मेरी बुआ को मिला है, नो सर, मेरे नाना ने अपनी बहन को दिया था, हमारे घर में नहीं है सर, भाई को ही मिलता है हमारे यहाँ। तो प्रियंका बोल रही है, तो मेरी माँ के नाम पर घर है, शुभम बोल रहा है। प्रगति बोल रही है कि नहीं मिलता, सिर्फ सुनते हैं। ज्योति बोल रही है मेरे यहाँ भी भाई को ही मिलता है। कितनी कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी की डिमांड करेंगी? आप लोगों में से कितने लोग मांगोगे प्रॉपर्टी? पूजा बोल रही है मैं ज्योति बोल रही है मेरा नाम मत लेना, सर सिखा रहे हैं, नहीं तो हमसे लड़ने आ जाएंगे आपके पेरेंट्स। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, बच्चे जाके घर पे कुछ भी बोल देते फिर बोलते सर ने सिखाया, फिर वो पेरेंट्स मेरे को फोन करते कि सर आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो। मेरी माँ को मिला लेकिन उनके भाई को ही दे दिया माँ ने मेरे। अभी ज्योति बोल रही है अभी से करती हूँ। प्रियंका बोल रही है मैं करूंगी सर पर मुझे देंगे नहीं। मैं तो मांगती हूँ पलक गुरुजी मैं मांगूंगी, नहीं मैं नहीं मांगूंगा। सुधा ज्योति बोल रही मुझे मिलेगा। प्रतीक्षा बोल रही है सर मैं अकेली डॉटर हूं तो मांगने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ूंगी, मुझे भी सर फीमेल सेक्रीफाइस करते हैं ऐसा सिखाते हैं। ठीक है तो जमीन मांगिए सब लोग, ठीक है, और उसका एक हिस्सा नालंदा को दे दीजिए। हमारी फीस नालंदा की फीस, अकेली डॉक्टर के लिए घर जवाई लाते हैं। सही है, ठीक है, चलिए। तो अब ये नया लॉ आया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको पढ़ लेते हैं फिर खत्म करते हैं। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कि जब भी हम, मैं बोलता हूं नर्स, अगर मैं बोलूं नर्स तो आपके दिमाग में जो इमेज आती है वो एक विमेन की होती है, ठीक है, कि नर्स मतलब कोई महिला होगी जो नर्स का काम कर रही होगी। जब मैं बोलता हूं किसान या फार्मर, जब मैं बोलता हूं फार्मर तो आपकी इमेज मेल की आती है कि पुरुष। लेकिन अगर आप गांव जाओ कभी भी खेती का सीजन हो तो खेत में आपको एक्चुअल में देखो तो महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी काम करते हुए। फिर भी जब किसान की बात आती है तो सिर्फ पुरुषों की बात आती है। किसान का जब भी किसानों पर कोई गाना, किसानों पर कोई फिल्म, आप देखोगे ना पुरानी फिल्में जो किसानों पर बनती थी, किसानों पर जो गाने बनते हैं, है ना, वो सब कौन दिखा, कौन है किसान? तो आप देखोगे किसान का मतलब सिर्फ पुरुष माना जाता है, मतलब पुरुष को ही किसान किसान का एक वो मिलता है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, सच्चाई है नहीं है। सच्चाई क्या है कि आप कभी भी जाओ खेती के सीजन में, आप गांव एक गांव कितने भी गांव घूम लो, खेत में आपको स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी जो खेत में काम कर रहे हैं। तो क्या वो किसान नहीं है? क्या उनको हम किसान नहीं मानेंगे? अगर हम मानते हैं तो जमीन जो है वो किसकी है, किसके नाम पर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आप में से जो भी किसान फैमिली से, आप देखते होंगे कि आपकी माँ भी काम करती है
खेत में जाके, ठीक है, उतना ही काम करती है, उससे ज्यादा ही करती होगी, लेकिन कभी भी जमीन पर, जमीन के पट्टे पर उसका नाम नहीं होगा, ठीक है। जमीन के पट्टे पर तभी नाम होगा जब वो विडो है या अकेली बेटी है, ऐसा है ना, और वो अनपेड लेबर है। बिल्कुल सही बात बोला ज्योति ने कि वो अनपेड लेबर है, उसका उनको पैसा भी नहीं मिलता बहुत बार। तो जब भी हम किसान की बात सोचते हैं तो हमको किसान का मतलब पुरुष से लगता है। विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड ओन नहीं कर सकते, काम करते हुए दिखता है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू विमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। अभी हाल तक कुछ राज्यों में जो हिंदू स्त्रियां थी उनको खेत में हिस्सा नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। तो कुछ राज्यों में अभी भी सिर्फ बेटों को मिलता था। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड, अभी लॉ चेंज हो गया। इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब आप देखिए सिर्फ सन ही नहीं, मदर भी इंक्लूडेड हो गई कि अगर बाप है तो बाप का जो फादर है मदर को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो रिसेंटली ये लॉ चेंज हुआ है। कौन सा लॉ? अभी ये चेंज होकर ये लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। अब इस लॉ में क्या है? इस लॉ में ये है कि प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है, जो खेत की जमीन है उसका जो बंटवारा है, वो बेटों बेटियों और माओ में बराबर होगा। सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर एंड दिस लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। सभी राज्यों में ये लागू किया जाएगा, ठीक है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अब ये लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए ना, देखिए कि ये लॉ सही है या गलत है, इससे होने वाली फायदे क्या हैं, इससे होने वाले नुकसान क्या हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, है ना, पढ़िए उसको। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें और कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, तो इसका पीपीटी नहीं बनाया मैंने, लेकिन इसको आप पढ़िएगा जरूर अपने आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुस्लिम विमेन के लिए अलग से है। हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है पर्सनल लॉस। तो आप देखोगे कि मैरिज को लेकर और सक्सेशन को लेकर हर धर्म के अपने नियम, ठीक है। तो कुछ होते हैं कॉमन लॉस, तो कॉमन लॉ सबके लिए है। जैसे अगर आपने चोरी की, आप कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आपको एक ही सजा मिलेगी। लेकिन कुछ आपके पर्सनल इश्यूज हैं, जैसे कि मैरिज, शादी और उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी, ये हर धर्म के अलग अलग है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कभी। तो प्रॉपर्टी को लेकर हिंदू के लिए अलग है और मुस्लिम्स के लिए अलग है। बाकी सारे लॉज, ये जो पर्सनल लॉज है इनको छोड़ के बाकी सारे कॉमन है, ठीक है। अब इसमें अगला जो है आपको वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें इसका भी पीपीटी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही बस पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको अपने आप पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए काफी है इतना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंटरेस्ट कुछ जग रहा है पॉलिटिकल साइंस में? ठीक है, आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा लाइवलीहुड का, रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड। ये सब बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपने आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।